अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। एक घंटा हो गया, इसकी दादी आती ही होगी इसे ले जाने के लिए। कच्चे मखाने फिर से फोन करते हैं बुद्धि ने। बहन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी पोती के साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज। हम बहुत बड़ी मुसीबत में बहन जी, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है बहन जी, और हम अपने घर के रिवाजों में फंसे हुए हैं। हमारे घर में बेटी की डोली जाती है और उसकी अर्थी उसके ससुराल से ही निकलती है बहन जी, इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जैसे भी रखना हो रख लीजिए, रूही को अपने घर से बाहर मत कीजिए बहन जी प्लीज। समझ गई, कितना प्यार है आपको अपनी पोती से। कैसा परिवार है, किसी को फिक्र ही नहीं अपनी बेटी की। आके लेके भी नहीं जाती इस बेशर्म को। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या दादू की तबीयत खराब है? हाँ बेटा, तेरे बारे में सोच सोच कर तेरे दादू की हालत बहुत खराब है, और मुझे डर लग रहा है कि अगर उन्हें तेरी हालत के बारे में पता चला तो कहीं उन्हें दिल का दौरा ना पड़ जाए। बेटा नहीं दादी प्लीज, आप दादू को कुछ मत बताइएगा प्लीज दादी। तू कह रही है तू, मैं तेरे दादू को कुछ भी नहीं कहूंगी। तेरे दादू की दवाई का टाइम हो गया बेटा, तो तू अपना ख्याल रखना, और हो सके तो जूही को भी इस बारे में कुछ मत बता। कालू जी प्लीज, दादू का ध्यान रखिएगा। अब आएगा असली मजा, इस रूही के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। मेरे जूही के नाहर जी को छीना है ना उस रूही ने, लेकिन नसीब फूटा रूही का तो फूटा ही रहेगा। अब सड़ती रहे इस घर में, पड़ी रहे कोने में भिखारन बनके, मुझे क्या। अवनीति प्लीज शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाओ समर, आप दोनों को दिखाई नहीं देता क्या? दादी कैसा बर्ताव कर रही है भाभी के साथ? समर वो हमारी भी भाभी है, तुझे उनका दुख दर्द दिखाई नहीं देता क्या? क्या सिर्फ तूने दादी के नक्शे कदम पे चलना ही सिखा है? दी हम और कर भी क्या सकते हैं, दादी इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? बेचारी भाभी, थोड़ी तो इंसानियत दिखानी चाहिए ना उनके साथ। अरे यार ये तो हद हो गई है। अब अवनी जी आप शांत हो जाइए, आप प्लीज बैठिए एक मिनट। शांत हो जाइए, आप बैठिए बैठिए। अब आप क्यों चिंता कर रही हैं, सब ठीक हो जाएगा ना? अवनी जी दादी अभी नाराज है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा सच छुपाएंगे वो लोग, और झूठ तो उन लोगों ने बोला ही है ना। वो सब मैं नहीं जानती समर, मुझे बस इतना पता है जो हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है। कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तो तरीका होगा दादी को शांत करने का। हेलो, हेलो।
महाकाल। प्रणाम बाबा, आप ही का इंतजार कर रही थी। अब आइए ना। हाँ जी। अब बाबा, अब सारा सामान ले आए हो ना? हाँ जी, सारा सामान मेरे पास है। आइए आइए, अंदर आइए। बाबा, मैं अभी आई। रूही, रूही, घर के सब लोग कहते हैं कि तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें एक बहू की तरह मुझे इस घर में रखना चाहिए, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। लेकिन एक ढंग के नौकर की तरह तुम इस घर में जरूर रह सकती हो। मुझे ये तो पता है कि तुम टप्पे से उठाई हुई हो, लेकिन इस घर में रहने के लिए तुम्हें खुद को पवित्र करना होगा और अपना खून शुद्ध करना होगा। दादी जी, चलो मेरे साथ, सब पता चल जाएगा, लेकिन एक फिट की दूरी पर। इस घर में अगर तुम्हें इंसानों की तरह रहना है तो इस पर चलकर तुम्हें अपने खून की शुद्धि करनी होगी। माँ, या तो तुम ये परीक्षा दो या फिर मैं तुम्हारे दादाजी को कॉल करके यहाँ बुलाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आके तुम्हें ले जाए। नहीं दादी, आप प्लीज दादू को कॉल मत कीजिएगा, प्लीज दादी। तो फिर चलो इन कोयलों पर। लेकिन दादी जी, ऐसा करने से किसी का खून तो नहीं बदल सकता ना। दादी जी, मैं मानती हूँ कि मेरी मम्मी ने मुझे गोद लिया था, लेकिन इंसान की पहचान तो उनके कर्मों से होती है ना। भगवान भी इंसानों में फर्क नहीं करते, और ये भेदभाव, ये जात पात, ये सब तो इंसानों के दिमाग का ही उपज है ना। अपना ज्ञान तुम अपने पास ही रखो, इन पर चलने की हिम्मत नहीं है तो मुझे प्रवचन मत दो। तुम अभी इन पर चलो या फिर मैं तुम्हारे दादू को अब भी फोन करूंगी। यहां से तुम्हारे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, या तो इन कोयलों पर चलो। दूसरा, तुम खुद ये घर छोड़ के चली जाओ। या फिर तीसरा, मैं तुम्हारे दादाजी को फोन करके यहां बुलाऊंगी, वो खुद आकर तुम्हें ले जाएंगे। बोलो, लगाओ फोन। नहीं दादी। भाभी जल जाएंगी, उनका पूरा पैर जल जाएगा, ऐसा मत करिए प्लीज दादी। हाँ तो फिर ये चली जाए इस घर से। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।